नमस्कार। कलयुग का शास्त्रों में जहां पे भी वर्णन आया है तो कलयुग में कुछ भी अच्छा बताया नहीं गया, लेकिन कलयुग की दो विशेषताएं हैं बड़ी जबरदस्त, ये किसी भी युग में व्यवस्था थी ही नहीं, केवल कलयुग में दी गई, क्योंकि भगवान को पता था कि ऐसे समय में आदमी क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, इसलिए आप पे महान कृपा करते हुए दो व्यवस्थाएं भगवान ने की हैं। पहली व्यवस्था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, बहुत ज्यादा यज्ञ करने की और सब दान पुण्य धर्म करने की व्यवस्था अगर नहीं भी बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम सुमिरन अगर आप करते रहें, वो कभी हम फिर आपको बताएंगे कि नाम सुमिरन की विधि क्या है, किस तरीके से नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और सबसे सहज बात यह है कि चलते फिरते उठते बैठते अगर आप नाम जप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, राम राम बोल रहे हो, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, और अब जो मुसलमान भाई हैं वो भी अपने जो हमें पता नहीं है भाई कि क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ चिल्ला कहते हुए अंदर अंदर बोलते होंगे या कुछ और बोलते होंगे, और क्रिश्चियन भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे, हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उस पर वो नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सबके लिए, कलयुग तो सबके लिए है ना, तो कलयुग में केवल नाम सुमिरन, अगर नाम का जप आप कर रहे हैं तो वो आपको इस भवसागर से पार लगा देगा, कुछ मत करो फिर भी मोर देन सफिशियंट है, पहला। दूसरा, इससे भी बड़ी एक और आपके पास फैसिलिटी है केवल कलयुग में, पहले युगों में ऐसा नहीं था। पहले युगों में अगर आपने किसी के लिए गलत सोचा तो क्रिया हुई या नहीं हुई इससे मतलब नहीं है, आपने सोचा उससे ही आपको वो पाप लग जाता था और उसका दंड आपको भुगतना पड़ता था। कर्म अच्छाई करोगे तब उसका फल मिलना चाहिए, लेकिन ना, इससे पहले के युगों में यह समस्या थी कि अगर आपने बुरा सोच भी लिया तो उसका आपको दंड मिलेगा। कलयुग में इसी चीज को उलट दिया कि आप अगर किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, हालांकि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि कर्म की उत्पत्ति विचार से ही होती है, तो किसी के बारे में ज्यादा सोचे नहीं, लेकिन क्योंकि वो कर्म में परिणत हो जाएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई गलत विचार कभी आ भी गया तो केवल उस विचार आने की वजह से आपको पाप नहीं लगेगा। अब इसका दूसरा पार्ट, आपके पास धन नहीं है, आप दान नहीं कर सकते, मन से भी अगर आप दान करते हैं, मानसिक रूप से आपकी इच्छा है, आपका मन करता है कि हम 100 लड़कियों की शादी हर साल करें, तीव्र इच्छा है, दिल से आप चाहते हैं, तो 100 कन्याओं के विवाह का जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त होगा। आप 1,00,000 गाय दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दिन आसन लगा के आंख बंद करके बैठ जाएं कि आज हम 1,00,000 गाय दान करके ही उठेंगे, तो 1,00,000 गाय दान करने का आपको फल मिलेगा, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। तुलसीदास जी भगवान से कम हमारी नजर में नहीं है, बहुत बड़े मतलब उसको विशेषज्ञ समझो, संत समझो, जो भी आपको समझना है आप समझो, लेकिन वो हमारी नजर में मतलब आध्यात्म की जड़ है, अंदर तक झांक के देख चुके सब। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कलयुग में मानसिक रूप से भी भला काम करें, मानसिक रूप से भी दान करें, मन से भी अच्छा सोचें, तो भी उसका आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो ऐसा मौका शायद आपके पास कभी दोबारा लौट के फिर कलयुग कभी आएगा तो आएगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन आज के टाइम में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है,
कंडीशन है, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। कंडीशन है कि अगर आप गाय का दान नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं इस टाइप की, तो भी उनका आपको शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं, इस दुनिया में समाज के लिए अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं, किसी का भला करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर प्रभु आपका भगवान मालिक, फिर हम आपको कोई रास्ता नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा सोचें लोगों के लिए, और अगर दान नहीं भी कर पा रहे हैं, मानसिक रूप से भी आप आंख बंद करके बैठ जाएं और मानसिक रूप से दान करें। मानसिक रूप से सारे कर्म होते हैं, कुकर्म भी होते हैं मानसिक रूप से, आप भी करते होंगे कभी कभी, आपको भी पता होगा। तो जिस तरीके से कुकर्म करते हैं मानसिक रूप से, उसी तरीके से अच्छे कर्म भी कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से अगर आप ये अच्छे कर्म करेंगे तो इसका भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे।